मैं अभी दो फिल्में आ रही हैं ना, उसके लिए वो चल रही है, बाकी मेरा सीरियल भी चल रहा है, तो उसमें थोड़ी मैं बिजी हूँ। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कॉम्पीट, कितनी पार्टीज ऐसे अटेंड कर ली और एक नाम बन चुका है, तो जब इंसान का नाम बन जाता है उसको लगता है थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है और कुछ नया करने के लिए कुछ लगता है रिलीफ हो जाना चाहिए। उसके बाद आप वापस प्रेजेंट होते हैं, नया पन रहता है और आपको भी मज़ा आता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं इतना नहीं बताऊँगी। मैं भोजपुरी फिल्म भी कर रही हूँ अभी रिसेंटली, मैंने भोजपुरी फिल्म में भी आइटम नंबर किया है। मेरा नाम है फिल्म के अंदर नटखटी नैनो, पूरा गाना मेरे ऊपर है और उसमें और केसरी लाल दोनों सुपरस्टार हैं भोजपुरी में, तो शायद मैं वो भी कर रही हूँ और पंजाबी फिल्म भी मैं कर रही हूँ, तो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग। मराठी फिल्म में भी आपको बहुत जल्दी देखूंगी इंशाल्लाह। इसको एक्सेप्ट करेंगे, इन्होंने थोड़ा उसको, सबसे पहले मैंने ऐसी कोई फिल्म अभी तक देखी नहीं, और सेव द काउ जब मैंने देखा लोगों की टी शर्ट पे, तो आई वॉज लाइक क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज है और जिस तरह उन्होंने स्टोरी को निट किया होगा, उसको पिरोया होगा और उसके अंदर और भी चीज़ें डाली हैं जो फिल्म के फिल्म को और हाइप कर सकती हैं, तो एक स्टोरी भी है, एक एंटरटेनमेंट भी है, और मैं इनको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए खास तौर से यहाँ पर आई हूँ, और मुझे लगता है फिल्म बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छी चलेगी।